हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो सब अपने अपने घरों में सकुशल होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यानी कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र पर कोई आवेशित कण क्या करेगा, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में होने के कारण कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के लिए क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। कैसे देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र। जैसे आप लोग पढ़े थे समरूप विद्युत क्षेत्र, उसी प्रकार मान लेते कि आपके पास इस प्रकार क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र। यह अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र हो गया, कोई कण क्या करेगा, आवेशित कण मान लीजिए गति अवस्था में, आवेशित कण मान लीजिए किस अवस्था में है, गति अवस्था में है। यानी आवेशित कण की जो गति पथ की दिशा जो तुम्हारा है वो इस दिशा में, यानी गति पथ की दिशा इस दिशा में होगा तो कण पर कुछ है, कण पर भी क्या लगेगा, एक वेग उत्पन्न होगा। तो वेग क्या उत्पन्न होगा, इसका भी वेग उत्पन्न होगा। और कण जो भी वेग उत्पन्न हो ठीक है, लेकिन कण क्या करता है, क्षैतिज अक्ष के साथ कुछ कोण बना रहा है। क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहे हो, थीटा कोण बना रहा है। तो आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र पर जब गति करता है तो कण के वेग को हम लोग क्या करते हैं, दो अवयव में उसको क्या करते हैं, हम लोग बांटते हैं। कैसे, आप लोग फर्स्ट में पढ़े थे सदिशों के विभाजन में, कोई सदिश आपके पास ऐसे था, कोई क्षैतिज के साथ ऐसे कुछ कोण बना करता है, मतलब कोई सदिश ए था, वेक्टर ए यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, तो क्षैतिज के साथ जो ए एक्स होता है ना, वो आपका होता था ए कॉस थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर होता था आपका ए वाई, जो ए वाई क्या होता था, ए साइन थीटा। उसी प्रकार आवेशित कण का जो हम लोग वेग देख रहे हैं, उस वेग को हम लोग क्या करेंगे, इसको दो अवयव में इसको क्या करना है, इसको बांटना है। वेग का क्षैतिज अवयव जो हो जाएगा वी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा होगा, और उसका ऊर्ध्वाधर अवयव जो होगा भी वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका भी साइन थीटा होगा। ठीक है, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र पर कोई आवेशित कण गतिशील है तो कण पर कितना बल है, यानी कण पर लगने वाले चुंबकीय बल कितना रहेगा, उसके लिए क्या करना, व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कोई आवेशित कण, आवेशित कण क्या है, क्यू है, तो माना क्यू आवेश वाले कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में है ना, कितना वेग से, तो भी वेग से गमन करता है। तो कण पर लगने वाले जो चुंबकीय बल है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो हम लोग देखेंगे किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले जब कहता है वो अब कहता है एक नंबर में, आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। कैसे इसको लिखना है, अर्थात एफ समानुपाती हम लोग क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे। और देखिए आप लोगों के फिगर भी यहां पर दिखा दिए हैं, यहां पर इसको इतना तो ऐसे नहीं दिखाना है, आप लोग को यहां पर ऐसे दिखाना है कि ये मान लीजिए आपका समरूप चुंबकीय क्षेत्र हो गए, चुंबकीय क्षेत्र से इस प्रकार दिखा दिए, और ये कण का गति पथ की दिशा है, तो गति पथ की दिशा ऐसे अगर इसको दिखा दे, कण का जो क्षैतिज अवयव जो होगा ये भी कॉस थीटा होगा, उसका ऊर्ध्वाधर अवयव क्या हो जाएगा, भी साइन थीटा होगा। आवेशित कण है क्यों दिखा दिए, चुंबकीय क्षेत्र की गति पथ की दिशा इस प्रकार है, ये दिखा दिए। दूसरा क्या होता है, दूसरा में आपका आता है कण के वेग के ऊर्ध्वाधर घटक। जैसे हम लोग हम अभी कह रहे थे कण के वेग के ऊर्ध्वाधर अवयव, ये हो गया आपका क्षैतिज अवयव, ये होता है इसको ऊर्ध्वाधर अवयव, यानी अवयव मतलब ये घटक है ना। तो कण के वेग के हम लोग क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां पर लिखेंगे कण के वेग के ऊर्ध्वाधर घटक के, ऊर्ध्वाधर घटक के समानुपाती होता है। अर्थात आपको लिखना है
एफ समानुपाती, कर्ण के अपेक्ष का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक है भी कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक क्या मिलेगा आपको भी साइन थीटा। यहां पर क्या लिखना है भी साइन थीटा लिखना है, ये हो गया। तीसरा किस पर निर्भर करता है, तीसरा आपका निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य, जैसे बी जो है ना इसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य के समानुपाती होता है, सामर्थ्य के समानुपाती होता है, अर्थात एफ समानुपाती आपको क्या मिलेगा बी मिलेगा। इसको ले लीजिए तीन नंबर क्वेश्चन, तो दो ले लीजिए, ये हो गया। हमको ये मिला कि जब कोई आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र पर गति करेगा तो गति करने पर कण पर जो चुंबकीय बल रहेगा, और चुंबकीय बल आपका तीन बातों पर निर्भर कर रहा है, पहला का आवेश के परिमाण के समानुपाती, दूसरा कण के वेग के ऊर्ध्वाधर घटक के समानुपाती, और तीसरा किस पर निर्भर करता है जो चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य के समानुपाती होता है। इसको क्या करना है फिर आपको निकालना है, तो कैसे निकाला जाए, समीकरण एक दो तथा तीन को अगर जोड़ते हैं, यहां पर लिखे हैं मिलाने पर, क्या करने पर इसको मिलाने पर, तो आपको क्या मिलेगा एफ समानुपाती क्यू, यहां पर है भी साइन थीटा, और यहां पर हो गया बी। यहां पर लिखे एफ समानुपाती क्यू भी बी, और यहां पर क्या लिखते हैं साइन थीटा लिखते हैं। आपको तो यहां पर देखने को मिल रहा है समानुपाती, आप लोगों को पहले से ही पता है अगर किसी समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नेतांक डालना पड़ता है, इसको डालिए नेतांक, तब बराबर तब क्या डालते हैं नेतांक के डालते हैं, यहां बराबर के क्यू बी बी, और यहां पर क्या लिखा जाए साइन थीटा, जहां क्या है तो जहां के एक समानुपाती नेतांक, जहां के एक समानुपाती नियतांक है ना, जिसका मान एक लिया जाता है, जिसका मान एक लिया जाता है, यानी यह बराबर क्या हो जाए आपका क्यू भी बी, और हो जाए आपका साइन थीटा, है ना। ये आपका हो गया व्यंजक, इसे हम लोग क्या कहते हैं चुंबकीय लॉरेंज बल भी कहते हैं, यहां पर लिख सकते हैं इसे चुंबकीय लॉरेंज बल भी कहते हैं। ये हो गया किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र पर गतिशील आवेश कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के लिए व्यंजक, फिर इसको हम लोग सदिश के रूप में भी लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सदिश के रूप में, तब तक के लिए यहीं पर रखते हैं हम लोग। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तब तक के लिए बाय बाय।